आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भाई, जैस्मिन जी, हमारे प्रवक्ता पार्टी के विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, पार्षदगण, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। जब मैं आया तो दिल्ली की मेयर डॉक्टर सेली ओबराय जी अपनी बात रख रही थी, उसके बाद राखी बिरलान जी ने अपनी बात रखी। आज सबकी चिंता क्या है? अभी जो शपथ आपने ली उसका अंतिम वाक्य ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक शपथ का वाक्य मात्र नहीं होना चाहिए, यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि अंतिम सांस तक बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा था और मैं चाहता हूं कि इसको बार बार लोगों तक पहुंचाइए, आप पूरे देश में इसको पहुंचाइए। अयोध्या के एक माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का काम 272 में नहीं चल रहा। आदिल भाई, सांसद जी कह रहे हैं 272 में काम नहीं चल रहा मोदी जी का, अगर संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना है। मैं आज इस पार्टी ऑफिस के कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, भारत के संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ये शपथ हमने ली है और इसको हम पूरा करेंगे। आप भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? भारत के संविधान में क्या है? बाबा साहब ने कहा शिक्षा में हमें समानता नहीं है, समाज के वंचित लोग, समाज के पिछड़े लोग हजारों हजार साल से जाति व्यवस्था के कारण जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, मंदिरों में प्रवेश करने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, तालाब में पानी पीने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, स्कूल में पढ़ाने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, बाबा साहब ने कहा शिक्षा का समान अवसर हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। और बाबा साहब का वो सपना हिंदुस्तान की किसी सरकार ने पूरा करने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम किया है, समान शिक्षा का अवसर। भाई मनीष सिसोदिया जी ने दिन रात मेहनत करके उस शिक्षा व्यवस्था को जमीन पे लाने का काम किया। केजरीवाल जी 2015 में मनीष सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूलों को देखने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, प्रयोगशालाएं नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं स्कूलों में जहां पे मकड़ी के जाले लगे रहते थे,
केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए, बाबा साहब के सपने को पूरा किया। बाबा साहब का सपना था कि भारत का संविधान, उसमें हर व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए, भारत का संविधान हर व्यक्ति को समझ में होना चाहिए और उस संविधान में उसको क्या अधिकार मिले हैं इस बात की समझ उसको होनी चाहिए। 75 साल में तो बहुत सारी सरकारें आई और गईं, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा। कहा कि नहीं कहा बताओ? कहा था ना, कहा था ना। तो जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ये ताकत कौन देता है? कौन देता है? जोर से बोलिए, कौन देता है? जोर से बोलिए। शिक्षा के नाम पर भेदभाव ना हो, ये अधिकार कौन देता है? स्वास्थ्य के नाम पर भेदभाव ना हो, ये अधिकार कौन देता है? नौकरी में अवसर के नाम पर भेदभाव ना हो, ये अधिकार कौन देता है? तो भाजपा अगर संविधान बदल दिए तो आरक्षण खत्म कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताओ? कर देंगे ना आरक्षण खत्म? खत्म कर देंगे ना? क्योंकि बाबा साहब ने कहा सामाजिक व्यवस्था के कारण, दुर्भावना के कारण, भेदभाव के कारण समाज के एक बड़े तबके को आपने सरकारी नौकरी से दूर रखा है। और तमाम समाजवादी नेताओं ने उदाहरण दिया, डॉक्टर लीमे ने एक किताब लिखी, डॉक्टर लोहिया ने लिखा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उनमें प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। पहले 0 पॉइंट वाले को आगे बढ़ाओ, 20 किलोमीटर वाले के बराबर करो, फिर दौड़ कराओ और देखो कि कौन आगे जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो आरक्षण के जरिए भारत के संविधान ने समाज के वंचित तबके को, शोषित तबके को, आदिवासियों को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर दोबारा सत्ता में 24 में आ गए, याद रखना पूरे मुल्क में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार और आरक्षण को बचाने के लिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे और 24 में इनकी विदाई करेंगे। विदाई करना है कि नहीं करना है? करना है ना। एक मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज से, क्या नाम था भाई उनका? क्या नाम था? जोर से बोलिए, हेमंत सोरेन। जिनके पिता ने झारखंड राज्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, हेमंत सोरेन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, आदिवासी समाज के नेता फर्जी मुकदमा लगा के बिना किसी आधार और सबूत के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया ना। अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया? समाज के सबसे बड़े तबके को, आदिवासी समाज को, किया ना। इसका जवाब देना है कि नहीं देना है बताओ? देना है कि नहीं देना है? दिल्ली के अंदर 3 बार से प्रचंड बहुमत पाने वाले मुख्यमंत्री, एक बार जीते, फिर 2 बार जीते, फिर 3 बार जीते, भाजपाइयों को लग गया दिल्ली में तो दाल गलने वाली, दिल्ली में दाल गलने वाली, दिल्ली में दाल गलने वाली। बोले करें क्या? बोले कुछ मत करो, अब इस मुख्यमंत्री को भी पकड़ के जेल में डाल दो। जो मुख्यमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखी गई एक एक बात को जमीन पे सच कर रहा था, जो मुख्यमंत्री कह रहा था बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी, सरकारी स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाएगा, दवाएं और इलाज तो मुफ्त मिलेगा,
फरिश्ते स्कीम के तहत गरीबों का भी इलाज अगर 50 लाख रुपए भी खर्च होता है तो होगा। माताएं बहनें, मजदूर वर्ग की हमारी माताएं बहनें, जिनके जेब में काम पर जाने के लिए, अपने गंतव्य तक जाने के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए पैसा नहीं होता, उनके लिए बस की फ्री यात्रा की जाएगी, बिजली फ्री देके, पानी फ्री देके, समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सुविधा दी जाएगी। जब ये सपना केजरीवाल ने देखा और जमीन पे सच करना शुरू किया तो मोदी जी और भाजपा वाले घबरा गए, बोले अगर ऐसे काम पूरे देश में होने लगा तो हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। दुकान दुकान पंजाब पहुंचे, वहां दुकान बंद हो गई भाजपाइयों की। अकाली दल के साथ मिलके लूटखोरी कर रहे थे, वहां से साफ हो गए। गुजरात पहुंचे, 14% वोट लेके आए, 5 विधायक हमारे जीत गए। गोवा पहुंचे, 6.5% वोट लेके आए, 2 विधायक हमारे जीते। 15 साल से एमसीडी में दिल्ली को कूड़ादान बना रखा था भाजपाइयों ने, झाड़ू वाले निकले, मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, एमसीडी से सारा कूड़ा साफ कर दिया कि नहीं कर दिया भाई? वो पहाड़ नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? वो कूड़े वाला पहाड़ देखा था ना नीचे जा रहा है ना? तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के पीछे एकमात्र कारण है ये जो तस्वीर आपके सामने रखी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता के सपनों को जमीन पर पूरा करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाला गया है। तो जेल का जवाब। मैंने सुना दिल्ली के एलजी साहब एक कार्यक्रम में कह रहे थे ये जेल से सरकार तो नहीं चलेगी, भाजपाई कह रहे थे जेल से सरकार तो नहीं चलेगी, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, आतिथि जी कह रही थी, गोपाल राय कह रहे थे, हम सब लोग कह रहे थे भाई सरकार तो जेल से ही चलेगी, तुमको पीछे हटना पड़ेगा, हम लोग पीछे हटने वाले। कल बेचारा थक हार के हमारे एलजी ने कहा बिजली भी फ्री रहेगी, पानी भी फ्री रहेगा, हमारा सर मत खाओ, जाओ भैया तुम लोग। बोला कि नहीं बोला? तो इसलिए चिंता मत करना, अरविंद केजरीवाल का आपसे वादा है, और वादा तो तब भी छोटी चीज होती है, गारंटी है, गारंटी एक एक कही गई बातें पूरा करने का काम करेंगे। और भारत की पहली सरकार है केजरीवाल की सरकार जो घोषणा पत्र में लिखे गए वादे से, गारंटी से ज्यादा काम करके हमने दिखाया कि नहीं दिखाया बताओ भाई। 1000 रुपए तो हमारे घोषणा पत्र में नहीं था ना आतिशी जी? नहीं था। मैं उस समय जेल में था, मैंने टीवी पे देखा तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। हमारी माताओं बहनों के आर्थिक संकट को समझने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया, उनको छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो अपने पति का चेहरा देखना पड़ता था, कई बार पति झिझक देता था नहीं पैसे नहीं देंगे, अरे 50 रुपए चाहिए बेटी के लिए थोड़ा सामान खरीदना, नहीं पैसे नहीं देंगे, अरे वो भाई आया था सोच रही थी थोड़ा मिठाई मंगा के खिला देती, नहीं पैसे नहीं है पैसे नहीं देंगे, तुम अपने भाई को मिठाई खिलाना चाहती हो। केजरीवाल ने उस दर्द को समझा और उन्होंने कहा हमारी बहनों को अपने पति का चेहरा छोटी मोटी चीजों के लिए देखने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए प्रतिमा। और भाजपा के लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं दिल्ली में आपकी सुविधाएं खत्म हो जाए, वो चाहते हैं आपका बेटा, आपका लाल, आपके लिए काम करने वाला दिन रात समर्पित भाव से वो अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में रहे।
अगर अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालना चाहते हो तो सात की सातों सीटों पर दिल्ली में जमानत जब्त करा के इनको वापस भेजने का काम करना, जेल का जवाब वोट से देना और भाजपाइयों को बता देना कि बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करोगे तो पहले 80 में तुम्हारी दो सीटें थी, अब तुम्हारी जीरो सीटें पहुंचा दी जाएंगी, जीरो। अगर पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी सीटें जीरो पहुंचा दी जाएंगी, जीरो। याद है कि भूल गए भागवत साहब का बयान आप लोग? याद है राखी जी, बिहार के चुनाव में क्या बोला था भागवत साहब ने? आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बहुत चालू है भाजपाइये, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं समझम ना हो। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा हम करेंगे, इस देश के लोग इस देश के मालिक हैं, 140 करोड़ लोग इस देश के मालिक हैं, समीक्षा हम करेंगे। और हमने समीक्षा की है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग समाज के दलित और पिछड़े तबके से, आदिवासी तबके से भेदभाव रखते हैं, और इस समीक्षा के बाद हमने तय किया है कि पूरे देश में तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। हमसे पीछे से पूछ रहे हैं कैसी समीक्षा आपने की संजय जी, समीक्षा कैसे की? समीक्षा नहीं, साफ साफ दिखता है, ध्यान से सुनना और घर पे जाके सोचना जरा। भारत के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, सेवरी के जूठे बेर खाने वाले उस प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भी रहते हैं, प्रधानमंत्री भी रहते हैं, प्रधानमंत्री जहाज से उड़ते अयोध्या पहुंच जाते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री भी रहती हैं, राज्यपाल भी रहते हैं, मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच जाते हैं, राज्यपाल अयोध्या पहुंच जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिलान्यास में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल शिलान्यास में रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री अगर शिलान्यास में थे तो आप बताइए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं थे मंदिर के शिलान्यास में? यह सवाल जरा सोचना अपने दिमाग में, क्योंकि भेदभाव करते हैं, भेदभाव है इनके मन में। प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आदिवासी समाज की महामहिम हमारी राष्ट्रपति, जिस पर पूरे देश को और आदिवासी समाज को गर्व है, वो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। भेदभाव भाजपाइयों के तन मन में बसा हुआ है, भेदभाव इनके कण कण में बसा हुआ है, और इसलिए उस भेद का भेदभाव को हमें निकाल कर फेंकना है और इस बार के चुनाव में इनको जेल का जवाब। केजरीवाल जी अगर आज जेल में है तो मोदी जी एक बात कहते थे 2014 के चुनाव में, क्या कहते थे? भाइयों और बहनों, घर से जब बाहर निकलना तो घर का सिलेंडर देख के जरूर वोट देने के लिए जाना, कहते थे कि नहीं कहते थे? मैं आपसे कह रहा हूं भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाना, जिसके लिए केजरीवाल ने अच्छे शिक्षा का इंतजाम किया है।
भाइयों और बहनों, जब अपने वोट देने के लिए जाना तो अपनी उस बेटी, अपनी उस मां, अपनी उस बहन को देख के जाना जिसको फ्री बस की यात्रा की सुविधा केजरीवाल ने दिया है। जब अपने घर से निकल के जाना तो अपने घर के बुजुर्गों को देख के जाना जिसको श्रवण कुमार बन के तीर्थ यात्रा कराने का काम केजरीवाल ने किया है। भाइयों और बहनों, जब अपने घर से जाना तो बिजली का बिल देख के जाना, पानी का बिल देख के जाना जिसको आजादी के बाद पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जीरो पर पहुंचाने का काम किया है, जीरो पर। और जब ये सब कुछ आपको याद रहेगा तो अरविंद केजरीवाल आपका बेटा आपको याद रहेगा, और जब आपका बेटा आपको याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि आपका बेटा इस वक्त जेल में है, उस जेल से उस बेटे को निकालने के लिए भाजपा को दिल्ली से साफ करना पड़ेगा, झाड़ू चलानी पड़ेगी, सातों सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जिताना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को जिताना पड़ेगा, और जेल का जवाब वोट से जो नारा है उसको जमीन पे सच करके हमें दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अरे बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से सभी लोग भैया का धन्यवाद करेंगे। हमारे बीच में अभी भवाना से एमएलए जय भगवान उपकार जी आए हैं और देवनगर वार्ड से पार्षद महेश खिची जी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं दिल्ली प्रदेश के हमारे अध्यक्ष माननीय गोपाल जी से विनती करूंगा कि वो आखिर में अपना संबोधन देंगे और उसके बाद हम सभी लोग जो है यहाँ विंग की तरफ से या पार्टी की तरफ से आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आप सबके जलपान की व्यवस्था है वो लेके जाएंगे। मैं गोपाला जी से प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। गोपाला जी, आज हम सब लोग यहां पर बाबा साहब के सम्मान में, भारत के संविधान के सम्मान में इकट्ठा हुए हैं। एक बार जितने मां भारती के बेटे बेटियां, बाबा साहब के अनुयायी जितने यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ के मुट्ठियां बांधेंगे जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं सभी लोग, और पूरी ताकत से एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब वंदे। अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, जय संविधान। अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। साथियों, आज इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन है। आज उनके जयंती के अवसर पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, लेकिन हर साल हम बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन इस बार बाबा साहब को याद करना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है कि देश के अंदर 10 साल तक भारत के लोगों ने जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज वो सरकार इस देश के अंदर से बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज बाबा साहब भी वापस आ जाए तो भारत का संविधान खत्म नहीं कर सकते। अरे बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया, आप कह रहे हो कि जिस मां ने बच्चे को पैदा किया वो बच्चे को मारने के बारे में सपने में भी सोच सकती है? आप ये सोच कैसे सकते हो कि बाबा साहब भी कभी इस भारत के संविधान को खत्म करने के लिए वापस आएंगे? अरे बाबा साहब जिस दिन भी आएंगे तुम्हारी तानाशाही को खत्म करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे।
भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे। पिछले 5 साल से टेलर देख रहा है पूरा देश, एक एक करके कैसे संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं आप, एक एक करके लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रहे हैं आप। भारत के अंदर नया संसद भवन तो बना दिया, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके बाहर कर दिया। संसद तो रहेगा लेकिन विपक्ष का सांसद नहीं रहेगा, संसद हमारी मुट्ठी में चाहिए, आपका मिशन है। इस देश के अंदर चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाई गई, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपने हटा दिया, क्योंकि चुनाव आयोग आपके मुट्ठी में चाहिए, वहां भी आपकी तानाशाही चाहिए। इस देश के अंदर जितनी एजेंसियां थी जांच करने वाली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबको आपने अपने मुट्ठी में कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 करोड़ रुपया देने वाले शराब घोटाले का आरोपी बना करके जिसको आपने गिरफ्तार किया था, शरद रेड्डी ने आपके बैंक अकाउंट में उसका पैसा पड़ा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है जांच करने के। आपने एजेंसियों को अपने मुट्ठी में कर लिया, आपने इस देश के अंदर मीडिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। कोई बोलता है तो फोन करके आप कहते हो इसे नौकरी से बाहर निकाल दो। आज इस दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में हर पत्रकार डरता है कहीं ऐसी खबर ना निकल जाए, गलती से भी जुबान ना फिसल जाए। रात में हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, पूरे मीडिया में आपने दहशत फैला रखी है। इस देश के अंदर संविधान आपके हाथ में चाहिए, लोकतंत्र आपके हाथ में मुट्ठी में चाहिए, संसद आपके मुट्ठी में चाहिए। और देश के लोगों ने जगह जगह जो चुन करके विधानसभाएं बनाई थी जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थे, आपने विधायकों को खरीद लिया, एडी सीबीआई लगा करके धड़ा करके तोड़ दिया। विधानसभा भी आपके मुट्ठी में चाहिए, लोकतंत्र का हर खंभे को आप चकनाचूर कर रहे हो। और अभी हमारे संजय भाई ने कहा दलित का बेटा राष्ट्रपति हो जाए तब भी वो आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, आदिवासी की बेटी भी राष्ट्रपति बन जाए तब भी आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यही है आपका टेलर। फिल्म अभी बाकी है, जो गांव-गांव घूम करके जगह जगह कह रहे हैं बहुमत की सरकार के लिए 400 नहीं चाहिए भाजपा को, भारत के संविधान को बदलने के लिए 400 चाहिए, लेकिन ये बुल्क बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसलिए आज हम संविधान के शपथ लेने के लिए यहां इकट्ठा हुए, हम सारे आज बाहर हैं, लेकिन दिल्ली का बेटा आपका भाई अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से संदेश भिजवाया, मुझे जेल के अंदर जितना भी ये तकलीफ देना चाहे मैं बर्दाश्त करूंगा। उनके पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हो, कह रहा हूं शीशे के उस पार वो रहेंगे, शीशे के इस पार वो रहेंगे, इतनी अमानवीयता। अरे अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लाखों लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप अरविंद केजरीवाल को अपमानित नहीं कर रहे हो, आप दिल्ली के लाखों बेटे बेटियां, उन माओं को, उन बुजुर्गों को अपमानित कर रहे हो। और आप सोचते हो कि दिल्ली चुप बैठेगा? अरे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए जिलों दान से काम किया है। आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, हम सब इस बात की शपथ लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए काम किया। 25 मई को अरविंद केजरीवाल के लिए हम काम करेंगे, इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेंगे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, जब भी हम सड़क पर आते हैं गिरफ्तार कर लेते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं धारा 144 लगा देते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं लोगों को डराते हो,
जब भी हम सड़क पर आते हैं विधायकों को घर में हाउस अरेस्ट कर लेते हो, जब भी हमारे पार्षद आते हैं विरोध करने उनको कहते हो अपने परिवार का एक बार ध्यान रख लो। अरे बाबा साहब ने यही समझ करके भारत के संविधान में हर बेटे बेटी को वोट का अधिकार दिया। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, काम की चिंता मत करो, अरविंद केजरीवाल जिंदा जब तक है दिल्ली में काम किसी माइकी लाल की औकात नहीं है रोक दे। लेकिन आज हमारा फर्ज है, जब आपका भाई आपका बेटा बाहर था उसने अपना फर्ज निभाया, अपना धर्म निभाया, आज वो जेल के अंदर है, अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकता। आज हमारा फर्ज निभाने का समय आ गया है, हमें अपना धर्म निभाने का समय आ गया है। उनके पास सत्ता की ताकत है, हमारे पास बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत है। तुम्हारी सत्ता की ताकत से हम वोट की ताकत से लड़ेंगे और 25 मई को इस जेल का जवाब वोट से देंगे, इस जेल का जवाब वोट से देंगे। घर घर जाना है, लोगों को समझाना है। आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, उसने अपना धर्म निभाया है, अपना फर्ज निभाया है। अब इस चुनाव में हमें अपना धर्म अपना फर्ज निभाना है। इसलिए साथियों ये लड़ाई पूरे देश के अंदर जारी है। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी मोर्चेबंदी करेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बात मसला पार्टी का नहीं है, भारत के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। इसलिए जो जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, उनको खड़ा होना है और इस जेल का जवाब कैसे देना है। तो एक बार दोनों मुट्ठियां बात करके इस नारे को फिर हम दोहराएंगे, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बस एक ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड आपका समय लूंगा। ये बीजेपी के सांसद का वीडियो है, अयोध्या के सांसद है, सुनिए आप। नया संविधान बनाना है इनको, कह रहे हैं ये साफ तौर पे। ये वीडियो डाल दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के पेज पे, इसको सबको पहुंचाइए, बताइए कि भाजपा वाले नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं। अब आखिर में मैं विंग की तरफ से सभी जितने लोग यहाँ आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जो अतिथिगण मंच पे हैं, और जनता जो दिल्ली के कोने कोने से आई है, मैं अपनी पूरी विंग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग आज जो है इतने बिजी शेड्यूल, क्योंकि सब जगह कार्यक्रम होते हैं, उसके बावजूद आप सब यहाँ पर आए हैं, शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वार्ड 21 से रोहिणी ढाला विधानसभा से पार्षद प्रदीप मित्तल जी भी आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा सब लोग एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम सभी लोग राष्ट्रगान को गाएंगे, उसके बाद जो है सभी लोग आखिरी में जलपान की व्यवस्था है उसको लेके जाएंगे। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग यहाँ भी, इसको बंद कर दीजिए।